भाई और बहनों, देवी और सजनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राजन ब्लॉग्स में। और गाइज, आज है संडे 11 अक्टूबर 2020 और मैं निकल गया हूँ आज राइड के लिए। संडे राइड कह सकते हैं आप लोग एक तरह से इसको। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइक के होने हैं 500 किलोमीटर पूरे, तभी उसके बाद इसकी फर्स्ट सर्विस हो पाएगी और फिर उसके बाद ही मैं किसी लॉन्ग राइड पे जा पाऊँगा। तो सोचा कि क्यों ना संडे को राइड कर ली जाए, एक संडे राइड भी हो जाएगी और हमारी बाइक का जो किलोमीटर है 500, इसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ तो चलेगी बाइक आज, अभी 180 चली हुई है। और आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव से आगे सोना के पास, एक लोकेशन है, लोकेशन आपको पहुँच के ही बताऊँगा कौन सी है। और अभी जस्ट घर से निकला हूँ, अपने पैनियर्स लगाए हुए हैं गाइस आज मैंने, थोड़ा थोड़ा सामान वान सब रख के ले जा रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊँगा आज क्या होने वाला है वहाँ पे पहुँच के। ड्रोन भी रखा है, कुछ कैमरे के माउंट साउंट्स भी रखे हुए हैं। पैनियर के साथ थोड़ा सा इजी रहता है ना, तो इसलिए बस सामान रखो और लगा लो। और क्या है जी, जो हमें मनाली में हमारे साथ गए थे अनीश कुमार सिन्हा जी, वो भी आ रहे हैं भाई साहब आज अपनी बाइक से, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन सी बाइक है उनके पास। वो रहते हैं नोएडा और नोएडा से आएंगे वो और मुझे मिलने वाले हैं वो गुड़गांव के टोल टैक्स पे। अभी मैं हूँ द्वारका मोड़ और लगभग मुझे लगेगा यहाँ से 25 मिनट के आसपास, 6:20 का टाइम है। सुबह सुबह हिमालयन के मज़े। एक बार रुक के यार पैनियर की सेटिंग देख लूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम माउंट किए हैं तो कहीं कुछ लूज तो नहीं है। कैमरे का एंगल भी गाइस देख के बताइएगा कि ठीक आ रहा है क्या, मतलब ज़्यादा बाइक तो नहीं दिख रही है इसमें। चेंज कर लूँगा बाकी मैं इसको ना एक बार दोबारा दूसरी सेटिंग पे भी चेक करूँगा। माउंट लाया हूँ रख के इसके भी। भाई साहब मज़ा है इसको चलाने में ना यार। और मौसम गाइस, मौसम ठंडा हो गया है, सुबह सुबह का मौसम यार, ठंड महसूस हो रही है। और एक बार लगाते हैं बाइक को साइड में, एक बार देखता हूँ पैनियर्स की सेटिंग, यहाँ पर रोकते हैं। नहीं हिल रहा, पूरा सेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, देखो क्या जबरदस्त लगती है बाइक। चलो जी मज़ा आ रहा है यार हिमालयन में चलाने में। अच्छा एक तो गाइस क्या है ना कि इस पे पैनियर्स वगैरह लगे हों और इसका शेप थोड़ा सा अलग सा दिखता है, तो भाई साहब लोग देखते हैं घूम घूम के कौन सी बाइक है। चलो जी आज गाइस ये ऑफिशियली हिमालयन पे हमारी फर्स्ट राइड है, जो है तो कुछ ज़्यादा लंबी राइड नहीं पर ऑफिशियली फर्स्ट राइड है। इससे पहले तो जस्ट ऐसे घर के आसपास ही चलाई थोड़ी बहुत, या फिर जब शोरूम से लेके आया था नोएडा सेक्टर 63 से
तो वही एक सबसे लंबा डिस्टेंस अब तक चली थी, बाकी आज ही चलेगी। देखो शायद 100-120 तो चलनी चाहिए। गाइज आज क्या है ना, आज है संडे, तो काफ़ी संडे को ना राइड्स होती हैं दिल्ली में। और देखो यहाँ भी बाइक्स खड़ी हैं, सुपर बाइक्स भी हैं कुछ, और ये यहाँ पे भी पूरी बाइक्स हैं, लाइनअप है, देखो देख रहे हो। तो बहुत सारी राइड्स होती हैं संडे को ना दिल्ली और दिल्ली के आसपास। ये रहे हमारे अनीश भाई। हाँ जी, क्या हाल है? ये क्या सेटिंग बैठा रहे हो, क्या कर रहे हो? कहाँ लगाना है माउंट, कहाँ लगाना है? अरे नहीं लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा। लगाना कहाँ पे है? कहीं भी लग जाए चला। ये इसको घुमा के लगाओ ना, उल्टा क्यों लगाया? मेरे को पता नहीं, ये दूसरी तरफ से लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा। मेरे पास है, लाया हूँ मैं भी रख के। चलो वहीं लगाने पहुँच के लगा लो ना, यहाँ पीछे लगा लो, आप इस पे लगा लो, मैं उस पे चिपका देता हूँ अपना एक, यहाँ पे चिपका दूंगा ना इस पे। तो उससे क्या होगा, आप अपना वाला दूसरा गोप्रो यहाँ लगा देना, मैं अपना वाला इस पे लगा दूंगा, तो दोनों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी आगे पीछे करके। तो गाइस यहाँ लगा ली हमने अपनी लोकेशन। अब क्या है कि मेरी बाइक में तो अभी चार्जर का, मतलब ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं, चार्जिंग पॉइंट, जो माउंट है ये है नहीं, तो इसलिए अनीश भाई की बाइक में लगेगा अभी। और यहाँ से एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और हम लोगों ने किया है कि दोनों तरफ कैमरे सेट किए हैं गोप्रो। मेरा तो भाई सब जगह ही जगह है अब तो, देखो देख रहे हो। और ये देखो सुपर बाइक्स, हार्ले एंड इंडियन, ये देखो आगे भी खड़ी हैं सब। सुबह सुबह का टाइम है यहाँ तो संडे का, और तो आज सारी सुपर बाइक्स ही दिखाई देंगी। गोप्रो एक यहाँ है एक वहाँ है, तो हम दोनों अपने अपने शॉट लेते रहेंगे आगे पीछे। हाइट हो गया ना सही से? और जी दिखा रहा है अभी हमें एक घंटा, ठीक है 53 मिनट्स। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, कितना शोर करते हैं यार ये, इसलिए मैं सुपर बाइक नहीं लेता। पानी की बोतल वोटल सब लेके आए हुए हैं, बंदोबस्त हो रहा है। जय बजरंग बली। तो गाइज मैं और अनीश जी अभी क्या है कि हम दोनों हैं इंटरकॉम पे कनेक्टेड, तो दोनों बतियाते हुए जाएंगे अब। अभी लगभग एक घंटे का रास्ता है यहाँ से जहाँ पे हम जा रहे हैं, लोकेशन आप लोगों को पहुँच के दिखाते हैं। और दोनों लगाए हुए हैं अपनी बाइक के पीछे गोप्रो, तो आप लोगों को दोनों एंगल देखने को मिलेंगे अब, जैसे आप मेरे को ये सामने वाले एंगल में देख पा रहे होगे। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, धूप हो रही है फिर। चलो जी, हाँ मैं तो खैर ज़्यादा नहीं खींच पाऊँगा, पर फिर भी थोड़ा तो खींचूँगा, नई बाइक है ना भाई। सर्विस होनी है अभी फर्स्ट इसकी, तो अभी वही है 60-70 तक ही ज़्यादा लेके जा रहा हूँ। आगे आओ ना आप थोड़ा सा, ये ऐसा क्या कहते हो आप अपनी बाइक को, ब्लैक काला हाथी, अच्छा चलो फिर। तो गाइज अभी लगभग कितना डिस्टेंस है अनीश जी सीधा हमें? 28। ये देख रहे हो भाई सब डुकाटी जा रही है, ये देखो ये है सुपर बाइक्स ना, सुबह सुबह संडे को दिखाई देती हैं जो। तो गाइज हम लोगों ने ले लिया है लेफ्ट टर्न, ये हाईवे से, जयपुर हाईवे से सोना की तरफ, और
चलो बता देता हूँ यार आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो गाइस आज हम लोगों का जो प्लान है, हम लोग जाने वाले हैं जो सोना के पास दमदमा लेक है लोकेशन, वहाँ हम लोग जा रहे हैं आज। तो यही सोचा था कि बाइक का थोड़ा किलोमीटर जो कवर हो जाएंगे और एक लोकेशन कवर हो जाएगी। आप लोगों ने शायद वीडियोस में पहले देखा होगा दमदमा लेक को, पर एक बार राजन ब्लॉग्स के स्टाइल में भी देख लीजिए। क्यों जी अनीश जी, सही बोल रहा हूँ? चक दे फटे। हमारा थोड़ा स्टाइल अलग है ना व्लॉगिंग करने का, ड्रोन शॉट लेंगे वहाँ पे अच्छे से और करेंगे कुछ पहुँच के। बाकी सब बढ़िया है, क्योंकि जब लॉकडाउन खुला खुला था ना तब तो काफ़ी लोगों ने यहाँ आके व्लॉगिंग की है, सभी काफ़ी सारे व्लॉगर्स आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे आउटसाइड दिल्ली जाना तो कहीं अलाउड नहीं था। अब क्या है कि अब सारी जगह खुल गई है तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, पहले हम सब जगह घूम आए हैं। क्यों जी, तो गाइस सामने दिख रहे हैं हमें ये हरियाणा के पहाड़ दमदमा लेक के आसपास के, और अभी यहाँ से रह गया कुछ 3 किलोमीटर रास्ता है बिल्कुल खाली। और यहाँ आसपास क्या है, बने हुए हैं लोगों के फार्म हाउस। आज गाइस ये है फर्स्ट ऑफ रोडिंग हमारी हिमालयन की, वहाँ पे जाके खड़े होंगे, काफ़ी बाइकर्स हैं वहाँ पे। हम लोग रिजॉर्ट के अंदर गए थे बट यहाँ से रास्ता नहीं है फिर बाहर आने का, फिर देखा साइड से रास्ता है तो क्यों ना यहीं पर जाया जाए, और खड़े भी हैं काफ़ी लोग। जावा पैराक, अपन किधर खड़े होंगे भाई, बाइक लगा देते हैं इधर। तो गाइस क्या है ना कि जो लास्ट लोकेशन में हम लोग गए थे वहाँ से आ गए हैं दूसरी साइड पे। यहाँ से अभी पीछे का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और धूप भी काफ़ी थी, पर यहाँ थोड़ी शांति है और कोई है नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर भी हैं राइडर्स। तो ये है कि संडे है तो बहुत सारे राइडर्स थे आज, एक जावा का ग्रुप था, रॉयल इनफील्ड का भी ग्रुप था, कुछ स्पोर्ट्स बाइक वाले भी थे वहाँ पर। तो देखिए फटाफट से पीछे का नज़ारा दमदमा लेक का। कुछ ऐसी दिखती है दमदमा लेक। वैसे सच बताऊं तो कुछ इतना खास साफ़ पानी नहीं है यहाँ का, और इतना खास कुछ अच्छा भी नहीं लगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अपना सोच समझ के देख समझ के आइएगा, थोड़ा व्लॉग्स पर नज़र डाल लीजिएगा। बाकी मैंने ड्रोन शॉट यहाँ पे लिए हैं तो उससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा दिखता है आसपास की लोकेशन कैसी दिखती है। बाकी सब ठीक है, अभी क्या प्लान है हमारा, हम लोग बनाने वाले हैं चाय। सामान सारा लेके आया था मैं, ये फ़ायदा है पैनियर्स का, सारा सामान है चाय का, दूध भी लेके आया था घर से। तो अभी बनाएंगे चाय, उसके लिए देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। वही हमारा कैंपिंग वाला स्टोव वही लेके आया हुआ था, और कैंपिंग स्टोव के बारे में गाइस काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ से लेना है क्या है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, अमेज़ॉन का लिंक है, कुछ 700 रुपये के आसपास का है। चलो फिर मिलते हैं, फिर बाकी सब बढ़िया है यार, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको कुछ।
मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि अनीश भाई अच्छा। बात नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं। हम यहाँ आए थे हाँ। जो चीजें हमें जो सोच के आए थे उतनी तो उम्मीद थी कि उतनी अच्छी होगी नहीं हाँ। और रियली उतनी अच्छी हुई भी नहीं है ना। हमें ना जगह ढूंढना पड़ रहा था कि आखिर हम खड़े कहाँ पर हों। एक तो धूल धूल हर जगह, आपको एक परेशानी और होगी, स्पॉट्स बहुत कम बनाए हुए हैं और बस आपको ढूंढना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल गर्मी इतनी है कि कहीं आप रुक भी नहीं सकते सबसे। तो गाइस कुछ मतलब ऐसा आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आप खड़े होकर या बैठ सकते हो, थोड़ा कुछ इन्जॉय कर सकते हो, ऐसा कोई जगह नहीं। कहीं भी आपको लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, खड़े होने पड़ेगा। तो देखो यार, जो लोग कमेंट करते हैं कि अनीश भाई बात नहीं करते हैं ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं और बहुत शांत रहते हैं, पर जब ये मजाक करते हैं तो इनका मजाक बड़ा डिसेंट होता है। तो वो आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में और देखने को मिलेगा अगर हम लोग आगे कहीं राइड पर गए। तो अभी क्या था कि कार से गए थे तो इतना मज़ा कार वाली राइड में आता नहीं, अभी आज हम दोनों बाइक से आए हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये एरोगेंट हैं या सीधी स्ट्रेट बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मस्त बंदे हैं ये, तभी मैं इनके साथ रहता हूँ। क्यों जी? सही बात। तो ठीक है, सब बढ़िया। इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अनीश सिन्हा के नाम से है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है जी। आप चाय बनाते हैं? अभी चाय बनाते हैं। तो गाइज लगा लिया सेटअप अपना चाय का, दूध डाल दिया है, दूध आया था इसमें, पानी आया था इसमें, और ये देख रहे हो, देख रहे हो भाई सब छन्नी, चीनी चाय पत्ती कौन डालेगा, इसमें शुगर है, उसमें चाय पत्ती है, वो देखो। आज ये जो कारोबार है ये कर रहे हैं अनीश जी, चाय बनाने का जो प्रोग्राम है आज अनीश जी के हवाले है। हाँ, बाइक हमारी खड़ी है यहाँ पे, ये वही रोड है जो आगे दमदमा लेक की तरफ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड पे ये जगह थोड़ी ठीक सी लग रही थी, शांत है, मतलब ठीक तो खैर क्या, वही कि पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो लगा क्यों ना यहीं बना ले चाय यार, शुगर डाल दिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है चाय बनाते हुए यहाँ जंगल में? जंगल में सही मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। और क्या, मस्त चाय बन रही है, कैसी बात शेयर करेंगे, फिर बोलेंगे हम चाय पी लो, हेलो गाइस चाय पी लो, चाय पी लो। देख लो जंगल में कोई और ना आ जाए चाय पीने हमारे साथ, मंडोले आए साफ निकल के, मुझे भी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ, देख रहे हो, मैं भी पीऊँगा। तो हम बोलेंगे भाई साहब दूध तो है नहीं हमारे पास, दूध तो हमने सारा डाल दिया, तुझे दूध पिला सकते, अब चाय पिलानी पड़ेगी सांप को यार। ये देखिए राइडिंग जैकेट्स विथ टी, राजन भाई चाय पी लो, हेलो गाइस, हेलो गाइस चाय पी लो। तो आपको ना एक बार पूरा ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ कि आखिर हम कर क्या कहाँ पर रहे हैं। ये देखिए चाय बन का आ रही है, देखो ये जंगल है, ये एक दीवार है और दीवार के साथ में हम लग के चाय बना रहे हैं भाई जंगल में, और ये रोड है। कभी भी दमदमा लेक आते हैं तो आप यहाँ पर रुक के चाय बना सकते हैं। आप लोगों ने सुना है कभी दमदमा लेक पे चाय बना रहा है कोई? कि अगर ज़्यादा चाय बन गई तो हम फिर से बीच में एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, और फिर से एक कप और चाय पी लेंगे, इसमें पैक करके ले जाएंगे, फिर दोबारा पी लेंगे। ये भी सही है। और आपको कप दिखाता हूँ गाइस एक बार अपने, राजन भाई ने पूरा इंतजाम करके आए हैं घर से, ये देखिए देख रहे हो, पूरा फील आना चाहिए, लाजवाब स्टाइल है भाई साहब। मतलब एक तो प्लास्टिक है टूटे ना, और अंदर से स्टील है। लास्ट टाइम राजन भाई ने कागज वाली जो कप होती है उसमें पिलाया था, आज स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। हाँ। अगली बार से केटली और वो सारी चीजें मिलेगी आपको। अच्छा दूसरा क्या है कि मैं सारा सामान इस बैग में डाल के ले आया था, और ये बैग मैंने एज इट इज डाल लिया था अपने पैनियर में, तो उससे क्या बेनिफिट है कि सामान ना बजता नहीं है पैनियर के अंदर, नहीं तो आवाज आती फिर चलने पे। और चाय हमारी खोल रही है भाई साहब, रंग आ रहा है इसमें खूब। तो गाइज चाय बनाने का प्रोग्राम हो गया ख़त्म हमारा, वहाँ पे बनाई थी, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो कुल मिला के जी अभी तक का जो सफ़र था हमारी नई हिमालयन पे, जो फर्स्ट राइड थी आज, ये बढ़िया हुई है यार। क्यों जी अनीश जी? बहुत बढ़िया।
तो करते हैं अपने पीछे वाले कैमरे को ऑन, इसमें भी आएंगे कुछ शॉट। हो गया, सही बात। बैटरी वैसे डाउन है इसकी। तो गाइज हमने लिए हैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लेना। चलो अच्छा। तो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए यहाँ से, और थोड़ा पास में ही जगह मिल गई थी तो वहीं पे रुक के चाय बना ली, क्योंकि आगे फिर कहाँ ढूंढते जगह। बाकी तो सब ठीक है, साइड मिरर हो गया टेढ़ा। यहाँ से राइट है, अब सारे राइट ही लेने हैं नीश भाई। हाँ राइट है, पहले लेफ्ट लिए ना सारे हमने, अब सारे राइट हैं। अभी क्या है कि हम लोग पहुंचे हैं द्वारका के लिए, जो लिंक रोड जाता है देखो पीछे से, ये यहाँ से लिंक रोड है द्वारका के लिए। तो यहाँ से क्या है कि मैं चला जाऊँगा अपने घर की तरफ और अनीश भाई जाएंगे नोएडा की तरफ, उस तरफ। तो हमने सोचा वीडियो को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं आज का। कैसा रहा आज का दिन आपका, थोड़ा बताओ जरा यार। एक तो सबसे अच्छी बात रही कि शॉर्ट राइड हम प्लान नहीं कर रहे थे, जो कि हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हाँ लॉकडाउन के बाद ये पहला शॉर्ट राइड मेरा तो पहला ही हुआ। मेरा भी शॉर्ट ही पहला ही है, क्योंकि लॉकडाउन में तो गाइस आपने देखा है मैंने लंबे लंबे ट्रिप भी किए हैं। तो आज क्या है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू ये देखने को मिलेगा कि दमदमा लेक कैसी दिखती है एक्चुअल में, ड्रोन शॉट्स में देख लीजिएगा। बाकी हम दोनों क्या है कि एक लंबी राइड प्लान कर रहे हैं, तो बाइक से ही जाएंगे, अब की बार बाइक का ट्रिप है। तो उसके लिए क्या है कि बाइक के जैसे ही 500 किलोमीटर हो जाएंगे, कई बार बता चुका हूँ आपको, उसके बाद ही वो राइड प्लान हो पाएगी। अनीश भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों की वीडियोस देखने को मिलेंगी नई राइड पे, बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है अब की बार, ठीक है। अच्छा खासा टाइम उसमें लगेगा हमें, और हमारा ट्रिप लगभग वो 5 या 6 दिन का होगा कम से कम। और बताओ सब ठीक है बाकी? बस चलें और काफ़ी आज के। तो गाइज अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर शेयर करना हो तो वीडियो शेयर कर लेना यार, अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स पढ़ के भी थोड़ा दिल मोटिवेट होता है कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाता रहूं। बाकी सब ठीक है? बाकी तो बढ़िया। चलें जी, चलिए, ओके ओके बाय।